बात करेंगे एसएससी सीएचएस 2023 की टीयर वन की कट ऑफ के बारे में। आपका पेपर 2 से लेकर 17 अगस्त के बीच में 40 शिफ्ट में कंप्लीट हो गया। 19 अगस्त को आपकी आंसर की आ चुकी और आप लोगों ने आंसर की भी चेक कर ली होगी, जिससे आपको ये पता लग गया होगा कि आपके मार्क्स कितने हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम टीयर वन की कट ऑफ का जो है मिनी एनालिसिस देखेंगे और कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, किस शिफ्ट में कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे, ये भी दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टीयर वन दोस्तों आपको पता कि क्वालिफाई नेचर है। टीयर टू जो कि आपको दोस्तों 360 नंबर का, इसी के ऊपर जो है मेरिट बनेगी। 2 नवंबर को आपका जो है मेंस का पेपर है। ठीक है, कंप्यूटर का पेपर भी दोस्तों उसी दिन है और टाइपिंग भी दोस्तों उसी दिन है, जो कि क्वालिफाई नेचर की है। इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी टीयर वन की कट ऑफ का हम देख लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों थोड़ा सा पुराना ट्रेंड्स, 2018 से अगर मैं बात करूं यहां तक, टीयर वन की कट ऑफ दोस्तों ये रही है 135, 159, 141, 2021 में 140, 2022 में 157। ठीक है, तो 2019 में दोस्तों अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन हुआ था, इसके कारण अच्छी खासी सीजीएल की भी कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो ये दोस्तों वैकेंसी रही है आपकी। ठीक है, इतनी इतनी वैकेंसी, यानी कि जो कट ऑफ है दोस्तों वो 140 के आसपास जो है घूम रही थी। फिर सीजीएल 22 में, सीएचएसएल 22 में दोस्तों कट ऑफ इंक्रीज हुई, 45 वैकेंसी होते हुए 157 गई। अब दोस्तों सीएचएसएल 2023 की बारी है, आपको 1600 वैकेंसी है। अब मैं अगर बात करूँ फार्म भरने की, दोस्तों फार्म दोस्तों लगभग आप देख सकते हैं 32 से लेकर 40 लाख के बीच में दोस्तों सीएचएसएल के फॉर्म जो है अप्लाई हो रहे हैं। लगभग दोस्तों 12, 13, 14 लाख कैंडिडेट जो हैं हर बार पेपर दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको दोस्तों पुराना ट्रेंड समझ में आ गया होगा। ठीक है, हर चीज का। अब दोस्तों अगर बात करूँ कैटेगरी वाइज कट ऑफ की, ये सीएचएसएल 2020 की है। ठीक है, 141 यहाँ पर गैप देखेंगे आप, 2 नंबर का यहाँ पर अच्छा खासा गैप था ईडब्ल्यूएस के अंदर, सीएचएसएल 2020 के अंदर। ठीक है, एससी 114, एसटी और 108, यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वहीं दोस्तों 33 यानी कि 33 नंबर का डिफरेंस रहा था और इनके अंदर भी लगभग 6-7 नंबर का डिफरेंस रहा है। लेकिन हुआ क्या, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट उस टाइम कम थे, अब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट बढ़ गए, यानी कि उन्होंने सर्टिफिकेट अपने बनवा लिए हैं, तो फिर दोस्तों इंक्रीज हुई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 9 नंबर कम रह गई यूआर कैटेगरी की कट ऑफ से। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि 54,000 कैंडिडेट टोटल पास हुए थे और 28,000 कैंडिडेट ने जो है ऐसे थे जो टीयर वन की कट ऑफ यानी कि यूआर कैटेगरी की 140 से ऊपर जो है स्कोर कर रहे थे 28,000 कैंडिडेट। ठीक है, तो यानी कि 50% कैंडिडेट जो है ऐसे होते हैं जो यूआर कैटेगरी की पास कर रहे होते हैं, यानी कि ऑल इंडिया जिसका 28,000 रैंक था वो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को पार कर रहा था। ठीक है, यानी कि जितने पास होते हैं दोस्तों जो है कुछ कैंडिडेट के मार्क्स हैं, आगे मैं बता देता हूं दोस्तों। एवरेज की अगर मैं बात करूं, सीएचएसएल 2022 के अंदर 134 नंबर का एवरेज स्कोर रहा था। ठीक है, और सी एच एस एल 2023 के अंदर दोस्तों 133। सब्जेक्ट वाइज दोस्तों अपने सर्वे के अंदर जो है ये रहा है, मैथ्स के अंदर 1 नंबर कम हुआ है, मैथ्स थोड़ा सा हार्ड रहा है, रीजनिंग दोस्तों आसान रही है, इंग्लिश दोस्तों इक्वली रही है, जीके दो हार्ड रही है, यानी कि पहले के कंपैरिजन में 1 नंबर जो है टफ रहा है एग्जाम। ठीक है, अपने सर्वे के बेस पर। अब आगे बात करता हूं दोस्तों कि आपका जो 40 की 40 शिफ्ट का एनालिसिस, ये आप देख सकते हैं यहां पर कि 40 शिफ्टों का में कौन सी शिफ्ट, ये दोस्तों तारीख है, यहाँ पर डेट लिखी हुई है, ये शिफ्ट लिखी हुई है, टाइमिंग लिखा हुआ है और ये दोस्तों एवरेज मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर दोस्तों टॉप की जो हार्डेस्ट शिफ्ट थी वो थी 3 अगस्त की 4th शिफ्ट। ठीक है, 3 अगस्त की दोस्तों 4th शिफ्ट जिसका एवरेज मार्क्स रहा है 101, और सबसे जो है ईजी शिफ्ट यानी कि जो रही है 2 अगस्त की दोस्तों 4th शिफ्ट जो है जिसका 120, यानी कि इसके और इसके जो है अगर मैं बात करूं तो इस कैंडिडेट के जो है 19 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। इसी तरह 10 अगस्त के सेकंड वाले के दोस्तों कितने नंबर, 18 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर मैं बात करूं 4 अगस्त वाले के 105 बन रहे हैं, 105 बन रहे तो इसके कितने हो जाएंगे, 15। तो दोस्तों आप भी अपनी शिफ्ट का जो है देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपने 120 तक ले जाने, सीधा सीधा एक सिंपल मेथड में आपको बता रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लिया आपकी जो शिफ्ट 17 अगस्त की 4th शिफ्ट है तो 114, तो यानी कि 120 तक लेके जाने में 6 नंबर इंक्रीज होंगे। तो ये दोस्तों आपको जो यहां समझ में नहीं आएगा, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। ठीक है, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म 2023, इसको आप सर्च कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, वहां से भी आप जो है इसको जो है
इसके ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने डाल दिया है, ठीक है, तो ये वहां से आप डायरेक्टली चेक कर पाएंगे। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पर सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अब दोस्तों CHSL 2022 की जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ ये आप देख सकते हैं, ठीक है, 157 153 EWS देख सकते हैं आप। EWS जो है कैटेगरी की कट ऑफ धीरे 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 UR कैटेगरी की कट ऑफ की तरफ जा रही है, ठीक है। SC की दोस्तों देख सकते हैं और ST की देख सकते हैं। यहां पर दोस्तों कितने नंबर का डिफरेंस रहा है, 32 नंबर का। वही दोस्तों 35 नंबर के आसपास जो है ST और UR कैटेगरी की कट ऑफ का जो है आज के दिन जा रहा है, ठीक है। इतने कैंडिडेट दोस्तों जो है 157 से ऊपर थे, इतने कैंडिडेट पास हुए थे, टोटल कैंडिडेट इतने पास हुए थे 36,191, ठीक है। अगर ESM और उन कैटेगरी को भी मिला दें तो टोटल कैंडिडेट पास हुए थे 40,000, ठीक है, वो मैं आपका डाटा दिखाऊंगा। ये सिर्फ इन्हीं कैटेगरी का, इनमें दोस्तों 157 से ऊपर लेके आने वाले 19,380, यानी कि टोटल 40,000 में से आधे, यानी कि 50% कैंडिडेट क्या कर रहे हैं उसको जो है UR कैटेगरी कट ऑफ को पार कर रहे हैं, यानी कि 157 से ऊपर नंबर लेकर आने वाले 19,380 कैंडिडेट थे। और कैटेगरी वाइज अगर बात करूं तो 5,496 UR के, OBC के देख सकते हैं आप 8,000, ठीक है, EWS के 4,000, SC के 896 और ST के 172 कैंडिडेट। वैकेंसी दोस्तों आप ये देख सकते हैं 1950 से 1098, ये बाद में वैकेंसी जो है रिड्यूस हो गई थी, 4500 न रह करके 3200 के आसपास जो वैकेंसी रह गई थी, ठीक है। ये चीज दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। ये दोस्तों आपका ESM कैटेगरी का डाटा, ठीक है, ESM OHOH ये दोस्तों 4000, यानी कि 36000 और 4000 मिलाकर के टोटल 40000। तो इतने दोस्तों जो है 167 कैंडिडेट ऐसे थे जो 157 से ऊपर नंबर लेकर आने वाले थे और वैकेंसी इनकी कितनी है, 480 है, ठीक है। तो दोस्तों काफी चीजें मिल रही हैं, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब दोस्तों CHSL 2023 की टीयर वन की अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि वैकेंसी कितनी है अपनी। वैकेंसी दोस्तों लगभग 1700, यानी कि ऑफिशियली जो वैकेंसी बता रखी है वो कितनी बता रखी है, 1600, ठीक है। मुझे लगता है थोड़ी बहुत 100-200 वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, तो 1700 वैकेंसी अगर मैं मान के चले तो, यानी कि अगर 1600 माने तो 8000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो UR कैटेगरी कट ऑफ को पार कर रहे होंगे, यानी कि 8000 कैंडिडेट का AIR जितना होगा वही अपनी क्या होगी, UR कैटेगरी की कट ऑफ होगी, ठीक है, 8000 दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों मैंने आंकड़ा बता दिया 8000, इसको याद रखना कि AIR हमने 8000 तक लेकर जानी है, ठीक है। ये 7000 का दोस्तों इस तरह से इसमें थोड़े बढ़ा लेंगे तो 8000 ये हो जाएंगे, यानी कि इतने कैंडिडेट जो है पास करेंगे। 2200 यहाँ पर हो सकता है UR कैटेगरी के 2400 कैंडिडेट पास कर ले, ठीक है। OBC के दोस्तों 3000 पास कर ले, EWS के दोस्तों हो सकता है 1800-1900 पास कर ले, इसी तरह SC के दोस्तों 400 पास कर ले, ठीक है, ST के इसी तरह क्या पता जो है ज़्यादा पास हो जाए, ठीक है। तो यानी कि इतने कैंडिडेट, ये वाले कैंडिडेट UR कैटेगरी कट ऑफ को पार कर सकते हैं, ये वो कैंडिडेट हैं, ठीक है, ना कि टोटल कैंडिडेट है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं दोस्तों जो कि ये CHSL 2022 का रैंक IQ का डाटा है, 115,000 का डाटा है ये, ठीक है। यहां पर दोस्तों मैं मेन पॉइंट की तरफ आपको अगर लेके जाऊं कि 152 से ऊपर विदाउट नॉर्मलाइजेशन 7,500 कैंडिडेट थे, और जब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन देखा गया तो 21,000 कैंडिडेट थे, और कट ऑफ कितने पे गए थे दोस्तों, 157 पे, और कैंडिडेट कितने पास हुए थे, 20,000 के आसपास, यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन के बाद पांच नंबर और इसके अंदर ऐड होने के बाद वही दोस्तों एक्चुअल डाटा निकल कर आया था। रैंक IQ का जो डाटा था अगर उसमें पांच नंबर और ऐड कर दे तो वही डाटा एक्चुअल हो गया था, ठीक है। तो यानी कि ये कह सकते हैं दोस्तों कि इसका डाटा रिलायबल है थोड़ा सा, हम और इसको मल्टीप्लीकेशन फैक्टर देखने के बाद 115,000 का ये डाटा था। अभी दोस्तों अपने पास जो डाटा है वो है 40,000 कैंडिडेट का, ठीक है, कितने का, 40,000 कैंडिडेट का। अब दोस्तों इसमें इस डाटा में क्या निकल कर आ रहा है कि 159 से ऊपर 650 कैंडिडेट हैं, 158 से ऊपर 770, 155 से ऊपर 1300, 150 से ऊपर 2500, 148 से ऊपर 3300 और 145 से ऊपर 4500, ठीक है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, जब इनका नॉर्मलाइजेशन किया गया तो उसके बाद 166 से ऊपर 1341, 165 से ऊपर 1593, 163 से ऊपर 2000,
160 से ऊपर 3200, ठीक है। ये दोस्तों आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, 160 से ऊपर, 160 से ऊपर दोस्तों 3200 और 150 से ऊपर 2500। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो रैंक 8000 ए ऑल इंडिया में 8000 एआईआर होगी वही क्या होगी, यूआर कैटेगरी की कट ऑफ होगी, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों अगर, क्योंकि हमारे पास जो है एग्जाम देने वाले 12 से 13 लाख कैंडिडेट हैं और डाटा सिर्फ 46,000 का है, तो अगर हम इसको 3 गुना से मल्टीप्लाई कर दें तो वही डाटा निकल कर आता है, यानी कि 150 रा कट ऑफ, ठीक है, 150 दोस्तों रा कट ऑफ। अगर वहीं इसको नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाएं तो 163 से ऊपर 2000 कैंडिडेट बनते हैं और 160 से ऊपर दोस्तों 3200 कैंडिडेट बनते हैं, ठीक है। 160 और 163 यानी कि यहां पर जो मामला है, अगर हम इसको डबल भी कर दें तब भी ये बात बन रही है, ठीक है, यानी कि इससे हल्की सी कट ऑफ ऊपर जाने की संभावना है। क्यों जाएगी? क्योंकि 8000 रैंक तक ही जो है एआईआर यूआर कैटेगरी की कट ऑफ बनेगी, ठीक है। तो इससे तो नीचे दोस्तों जो है आपको पता ही है कि 151 से ऊपर 7000, ये तो यहीं पर मामला सिमट गया। तो यानी कि ये तो कन्फर्म हो ही चुका है कि 150-155 ये तो कट ऑफ इससे मैक्सिमम ही जाने वाली है, ठीक है, इससे ज्यादा ही जाने वाली है। तो दोस्तों इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, ये पुरानी कट ऑफ सीएचएसएल 2022 की है, ठीक है, इन सब चीजों को देखते हुए दोस्तों एक जो कट ऑफ निकल कर आती है, यानी कि ये मिनी एनालिसिस है, डिटेल्ड एनालिसिस दोस्तों मैं बाद में करूंगा मंगलवार या बुधवार को, ठीक है, जैसे ही ये डाटा अच्छा हो जाएगा कलेक्ट अपने पास, शायद 22 तारीख इसकी जो है लास्ट डेट है रिप्रेजेंटेशन करने की, जो रोंग क्वेश्चन है, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों 162, 158, AWS 157, SC 139 और ST 129, ठीक है। पहले दोस्तों 4500 वैकेंसी थी, इस बार 1600 वैकेंसी हैं, इसलिए दोस्तों ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि वास्तविकता से हमें भागना नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे कह दूँ आपको कि 145 जाएगी कट ऑफ दोस्तों, बिना जो है खुश हुए उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस 2 भी हो सकती है और प्लस 4 भी हो सकती है, ये जब रैंक आई क्यू डाटा दोस्तों जब 1 लाख हो जाएगा तब दोस्तों हम जो है डिटेल्ड एनालिसिस जरूर करेंगे एक बार, ठीक है, उसके बाद एक्चुअल में चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी कि क्या कुछ कहीं इससे और कम तो नहीं जाने वाली कट ऑफ, ठीक है, या फिर 1-2 नंबर इंक्रीज तो नहीं हो रही किसी कैटेगरी की। तो हर चीज़ दोस्तों ये एक रफ आइडिया की लेके चलें, 20 अगस्त को 24 घंटे के अंदर मैंने दोस्तों आपको एनालिसिस दे दिया है, 19 अगस्त को रात के 9 बजे दोस्तों आपके आंसर की जारी हुई थी और 20 अगस्त को दोस्तों रात के 9 बजे से पहले आपको एनालिसिस मिल रहा है। एक रफ आइडिया दोस्तों मैंने आपको दे दिया है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, हल्का फुल्का मैं चेंज करूँगा जो कि आपको 2-3 दिन के बाद आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। और दोस्तों चिंता नहीं करनी है, अगर आपके इतने मार्क्स नहीं बन रहे हैं तो दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम्स यानी कि फर्दर आपका अगले ही महीने MTS 2023 का पेपर है, फिर दोस्तों CPO का पेपर है, ठीक है, फिर सारे के सारे इस तरह के पेपर हैं। तो दोस्तों MTS के पे भी जोर लगा दो। अभी MTS की दोस्तों मैं प्रैक्टिस बुक की अगर मैं बात करूं एक बार तो मैं आपको बता देता हूं, MTS 2023 के लिए बेस्ट बुक की अगर मैं बात करूं जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसके अंदर नए पैटर्न के ऊपर जीके रीजनिंग इंग्लिश मैथ के लगभग 2150 प्लस क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर मैं इस बुक के रिव्यू की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले दिन जो है सभी सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी इसके अंदर दे रखे हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों इसके अंदर सोल्ड पेपर भी दे रखा है और जैसे ही क्वेश्चन ये खत्म हो जाते हैं उसके बाद इन क्वेश्चनों का दोस्तों डिटेल्ड में क्या दे रखा है, सोल्यूशन भी दे रखा है। मैं आपको दिखा देता हूं इस तरह से जो है सोल्यूशन भी इसके अंदर दे रखा है काफी शॉर्ट तरीके से ताकि आपको जो सारी चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। अगर आप दोस्तों ये बुक लेना चाहते हैं तो आपको इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आपका जो है स्टडी कंप्लीट हो जाती है यानी कि आपका जो है टॉपिक्स कवर हो जाते हैं उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है प्रैक्टिस सेट लगाने की, तो इनके द्वारा दोस्तों प्रैक्टिस सेट की भी एक बुक निकालेगी जिसके अंदर 15 प्रैक्टिस सेट हैं और 8 सोल्ड पेपर हैं, 2150 प्लस के क्वेश्चन हैं। दोनों बुक्स को लेने का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आप दोनों बुक्स को डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने भी अभी तक रैंक चेक नहीं किया है, ठीक है, आपने अभी तक रैंक चेक नहीं किया तो दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म 2023, इसको आप ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर एसएससी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत
ना आए, कोई भी चीज़ समझ नहीं हो, तो आप चीज़ों को यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो है ज़रूर समझाया जाएगा। और बाकी जो भी डाउट्स हैं दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो इस वीडियो में इतना दोस्तों।